दूसरा पक्ष कहता है हमने कर्जा माफ किया। अरे चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि 75 साल के बाद भी ये किसान कर्जदार क्यों है। कोई भीख नहीं मांग रहा आपसे कि उसको कर्जा के जरा सा माफ कर दिया, ऐसे दिखाया जाता है पता नहीं क्या कर दिया। सभापति महोदय, जब तक उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा तब तक उसकी स्थिति सुधर नहीं सकती। जब तक उसके खेत को पानी नहीं मिलेगा, उसे बिजली समय पर नहीं मिलेगी, उसे बीज खाद नहीं मिलेगा, तब तक अपन केवल सहानुभूति नहीं बटोर सकते कि हमने कर्जा जरा सा माफ कर दिया, ऊंट के मुंह में जी रहा है वो। सभापति महोदय, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं सदन में। 1967 में आईएएस की सैलरी हुआ करती थी 250 रुपए, जो आज वो 3 से 3.5 लाख रुपया महीना हो गई है। और वही 1967 में डीजल होता था सभापति महोदय 20 पैसे लीटर, और आज वो 100 रुपए लीटर हो गया है। सभापति महोदय, सोना होता था 200 रुपए का 10 ग्राम एक तोला, आज वो 60,000 रुपए हो गया है। और गेहूं था 70 रुपए का क्विंटल, जो आज 1800 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। यानी कि आईएएस की बढ़ोतरी सैलरी में कितनी हुई, 1500 गुना। डीजल में बढ़ोतरी कितनी हो गई, 500 गुना। सोने में बढ़ोतरी कितनी होगी, 300 गुना। और किसान के गेहूं की फसल की कीमत कितनी बढ़ी, मात्र 25 गुना। अब कहां 1500 गुना और कहां 25 गुना, भला वो कैसे उसकी स्थिति सुधर सकती है। हर चीज की महंगाई बढ़ गई है, कृषि के उपकरण है उनकी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उसकी फसल को नहीं खरीदती सरकारें। अब गेहूं पर 10% बढ़ाइए, 200 ये कह दिया 2110 रुपए। सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी हैं, खुद किसान हैं, वो जानते हैं कि खर्चा गेहूं पे एक बीघा का खर्चा किसान का आता है 1800 रुपया बीघा पे आता है। 18 जैसे एक एक जो क्विंटल पर 1800, 18,000 रुपया एक बीघा पे आता है। मात्र 10 क्विंटल के लगभग गेहूं पैदा होता है, जो 1800 के हिसाब से बेचे तो 18,000 का वार, उसका खर्चा भी 18,000 आता है, पैदा भी 18,000 हो रहा है, तो उसकी स्थिति भला कैसे सुधरेगी। सरसों की फसल करो तो उसके ऊपर भी वही 11,000 के समथिंग खर्चा आ जाता है, और वो बिकती है तो वही 18,000-20,000, और कभी पाड़ा पड़ गया तो बर्बाद हो गया। गेहूं में अगर हवा चल गई, गिर गया गेहूं तो बर्बाद हो गया, तो भला वो किसान कैसे बेचारा उठ सकता है। और सिर्फ बातें होती है किसान की, 6,000 दे दिया, कोई कहता है कर्जा दे दिया, कोई कहता है ये दे दिया, कोई कहता है थोड़ी सी बिजली दे देंगे, ये दे देंगे। मैं तो ये कहता हूं आप पूरा दाम ले लीजिए, मत दीजिए कुछ भी आप। लेकिन ये जो 1500 गुना बढ़ी आईएएस की सैलरी, या तो उस आईएएस की सैलरी को भी घटा के वही 25 गुना लिया हो आप, उस सैलरी को, उस किसान की जो बढ़ोतरी हुई है वहीं पे लिया उसकी को सैलरी को, अगर वो आईएएस नौकरी कर ले। और अगर आप में हिम्मत है किसी सरकार में कि घटा दे उस आईएएस की सैलरी, कहते किसान के बराबर रखेंगे, क्योंकि देश को आजाद इन किसानों ने कराया था, कोई आईएएस अंग्रेज भर्ती नहीं कर रहे थे इंडिया के लोगों को, वो तो इन किसानों की बदौलत हो, इनके बच्चे फांसी पर लटके तब आईएएस बन रहे हम। लेकिन पॉलिसी बनती है तो वही आईएएस राय देते हैं सरकार को कि बजट नहीं है, किसान को पैसा नहीं दे सकते, किसान की फसल को नहीं खरीद सकते। मैं कहता हूं एमएसपी 2110 रुपए गेहूं की क्यों हो, इसकी एमएसपी उतनी करो ना जितनी उसके गुजारा हो उसका, लेकिन उसमें कोई चर्चा नहीं होगी और कोई पैसा मिलेगा नहीं। और ये किसान सहन सकती है बेचारे की, सहन करे जा रहा सहन, ये उसकी ग्रेटनेस है कि वो सहन कर रहा है और मेरा देश महान कह रहा है। अब फौज में जाता था सभापति महोदय, उसका बेटा एक्सरसाइज करता था, फौज के भर्ती भी बंद कर दिए। पुलिस में जाता था सभापति महोदय, दौड़ भाग करता था, खेत में काम करता था, फिजिकल फिट होता है, मजबूत होता है, बहादुर होता है, दौड़ भाग करके पुलिस कांस्टेबल बन जाता था। कोई मिलिट्री में जाके, अब मिलिट्री का भी बन, पुलिस कांस्टेबल आईएएस जैसा पेपर पकड़ा देते हैं, उसकी फिजिकल फिटनेस को कोई देखते ही नहीं है। अब उसमें पेपर में कौन सेलेक्ट होता है, वही जो ट्रक चलाने वाला खरीद के 10 लाख मिलाया वो सेलेक्ट हो जाता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि केवल किसान किसान बात करने से नहीं होगा, वास्तव में आज किसान को सबसे ज्यादा न्याय की जरूरत है और उसके साथ हमें न्याय करना पड़ेगा। नहीं वो किसान के बच्चे जो अंग्रेजों से लड़े थे, जिस दिन उसने ठान लिया उस दिन फिर आप सोचना क्या हाल होगा।
इसलिए मैं समझता हूं उठा उठा के फेंक देंगे और होगा क्या, मूली की तरह पाड़ पाड़ के फेंक देंगे आपको और क्या होगा, ये होगा। इसलिए कभी कभी उस किसान की हिम्मत को ना ललकारे सरकार कि वो लड़ नहीं सकता, कि अपना हक हासिल नहीं कर सकता, वो तो अपने देश में आस्था रखता है तो सहन करे जा रहा है। और ये सभापति महोदय मैं बात करूंगा जैसे आवारा पशुओं की, ये एक बड़ा आंदोलन इन आवारा पशुओं के लिए भी होगा, किसान की फसल को खा रहे हैं ये रोजड़े सुअर आवारा। और मैंने पहले भी कहा अरे आदमियों की नसबंदी करते हो, इनकी नसबंदी करके ही रोक दो, हम छोटे बच्चे थे तो बछड़ों की नसबंदी करवाता था किसान, आवारा ये जो नंदी है उनकी नसबंदी कर दो। और गाय को अगर सच में बचाना चाहते हो आप गौशाला में अनुदान देते हो, किसान को दो ना अनुदान कि वो घर पे गाय को पाले, हम अनुदान देंगे तो किसान की स्थिति भी सुधरेगी और हमारी गाय माता भी बचेगी। थैंक यू। लेकिन किसान को तो देना नहीं चाहते क्योंकि सब जानते हैं अगर उसके पास अगर उसकी रोटी पेट में आ गई, उसको थोड़ा जीने का मिल गया तो सोचने लग जाएगा वो कि कौन क्या कर रहा है। वो आईएएस हजारों करोड़ रुपए खा रहे फिर भी 1500 गुना सैलरी बढ़ा रहे हो, जाके देखो एक आईएएस बनता है तब क्या घर होता है उसका, और 5 साल बाद देखो उसके बच्चे मर्सिडीज में घूमते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। क्या कभी सरकार ने पूछा है कि कहां से आ गया है पैसा? फार्म हाउस है बड़े बड़े, और बड़े बड़े मंत्री जाते हैं और जाकर फार्म हाउस में उसके पार्टी करके आ जाते, कभी पूछा किसी ने कि यह कहां से लिया आया? लेकिन कोई नहीं पूछा जाता। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि किसान के ऊपर रियल में कोई उसकी दशा सुधारने पर निर्णय होगा। धन्यवाद सभापति महोदय।